माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम 111 टैरो चैनल के ऊपर। और आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के बारे में। बेसिकली मेरा गला है थोड़ा खराब, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट माय वॉइस। अगर आप लोगों को कहीं भी चोकिंग और ब्रेकिंग वाली लगे तो सो बेसिकली आज के रीडिंग में हम चेक इन करने वाले हैं कि आपके पर्सन ने कल रात क्या सोचा आपके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव सम वाटर हेयर, अभिमंत्रित है पानी, और ब्लो करती हूँ मैं कैंडल। तो मैं कैंडल जला लेती हूँ जल्द से जल्द। आप लोग भी अपने लिए प्रेयर कर लीजिए, मैं भी आप सबके लिए प्रेयर कर लेती हूँ। आमीन। चल हाँ, अच्छे से जलिए भाई। याद हो तो पिछली बारी जो मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा पिछली बारी जल ही नहीं रही थी कैंडल। कैंडल जलना भी एक अलग साइन है, आपको बताऊंगी मैं किसी दिन। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं कल रात को मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कुछ सोच रहे थे। बहुत कुछ सोच रहे थे। लेट मी चेक क्या सोच रहे थे। क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ ऐसा? आखिरकार हमारा क्या फॉल्ट है? बस यही फॉल्ट है कि हम एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं, या ये सिर्फ हमारा यही फॉल्ट है कि हमने लोगों की बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करी? आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई गैप है? कोई ना कोई गैप है आप दोनों के बीच में। यस, ये गैप आप लोगों का कास्ट इश्यू हो सकता है, ये गैप आप लोगों का कोई बड़ा है, मतलब गैप रिलीजन का भी गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। देयर आर सम डिफरेंसेस, कुछ तो अंतर है आप लोगों के अंदर। कल रात को बहुत रोए हैं, वो फूट फूट के रोए हैं। मुझे यहाँ पे कुछ इनिशियल्स भी दिख रहे हैं, ए टी के पी आई, फॉर सम पीपल इट इज आई। इनको पता है क्या महसूस हो रहा है? इनको ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, इन्होंने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया एक तरीके से। हालांकि ये मजबूर है इंसान, लेकिन इसने आपके साथ कितना बड़ा घात किया है, इस तरीके से इनकी फीलिंग चल रही है। कल रात को इन्होंने यही सोचा। लेकिन आप दोनों कितने खुश थे एक दूसरे के साथ, क्यों इस तरीके की नेगेटिविटी चल रही है? क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन है? क्या कभी ये सब कुछ सही हो पाएगा? इन्होंने पिछली बातों के बारे में बहुत सोचा कि आप दोनों किस तरीके से खुश रहा करते थे। नो कांटेक्ट में आप लोग, टोटली नो कांटेक्ट है। नो कांटेक्ट एंड नेगेटिव सेंसेस, फ्रस्ट्रेशन। परेशानी भी है बंदे को किसी तरीके की, ट्रॉमा भी है किसी तरीके का। मुझे कई लोगों की तबीयत भी खराब नजर आ रही है। तबीयत खराब है या तो, या फिर सोच सोच के डिप्रेशन अटैक आया है। खुश नहीं है कुल मिलाकर के। ओ या डी हो सकता है आपके पर्सन का इनिशियल। मुझे यहाँ पे बाप्पा भी दिख रहे हैं। आप लोग हो सकता है बाप्पा को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, ठीक है। हो सकता है आपके नाम का अर्थ जीरो हो, ठीक है। होता है कई लोगों के नाम का अर्थ जीरो, मेरे नाम का अर्थ जीरो है। और कल रात ना
इन्होंने क्या फील किया है, मैं थोड़ा सा और देखना चाहती हूँ। कल रात को इन्होंने महसूस किया है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप दोनों कैसे खुश रहा करते थे एक दूसरे के साथ, हैप्पी एकदम, घंटों बातें करना, एक दूसरे के साथ रहना, अच्छे से टाइम स्पेंड करना, लोगों के बारे में इतना ना सोचना। आप लोग मिलते थे, आप लोगों के इंटीमेट मोमेंट्स के बारे में भी इस बंदे ने सोचा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती इनके किसी के साथ शादी या कुछ कर दी गई हो, शादी सगाई कुछ, तो ये अभी उस चीज की भी टेंशन में है। और अगर नहीं करी है तो फिर हो सकता है इनके घर वाले पीछे पड़े हुए हैं इनके, व्हाट टू डू, ये आपके लिए कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, मजबूर है, अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं वापस। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही जैसे काफी समय से ये ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं। मैं सही बताऊं तो काफी समय से ये ठीक से खाना वगैरह भी नहीं खा रहे हैं, और हो सकता है अभी इतनी नेगेटिविटी चल रही है ना कि इनके घर वाले भी इनको ठीक से नहीं पूछ रहे हैं। किसी बड़ी मजबूरी में आकर के ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, करना नहीं चाहते बट कर रहे हैं। इनको पता है इन्होंने गलत किया है आपके साथ, जिसकी सजा इनको जरूर मिलेगी। मजबूर है, बहुत मजबूर है बंदा, बहुत मजबूर है। रोते हैं ये जब लोगों को देखते हैं ना, तो इनको बहुत बुरा लगता है। कुछ भी यूज नहीं कर रही है ना, ये इंस्टा यूज कर रहे हैं ना, ये फेसबुक व्हाट्सएप कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ दिमाग में एक ही थॉट चलता रहता है कि पता नहीं वो कैसी होगी या वो कैसा होगा। फ्रिक्वेंटली बात करना चाहते हैं आपके साथ, पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा मेमोराइज कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को बहुत मेमोराइज कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि किसी का घिनौना सच भी इनके सामने आया है, कोई घिनौना चेहरा, कोई घिनौना सच भी इनके सामने आया है। जे हो सकता है आपके पर्सन का इनिशियल या जिस एरिया में वो रहते हैं, किसी का बहुत बेकार सच इनके सामने आया है, वो भी इनको बहुत ज्यादा दुख दे रहा है कि वो मुझसे बोला करती थी या वो मुझसे बोला करते थे बट मैं ही सपोर्ट नहीं कर पाया। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया कि इतना बड़ा दुख इनकी जिंदगी में आ गया। रात में नींद नहीं है, दिन में सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, परेशानी परेशानी चलती रहती है। एंड आई एम सीइंग लॉट ऑफ बर्डन, बहुत सारा बर्डन भी है इनके ऊपर, घर फैमिली को लेकर के भी बर्डन है। ये जो घर फैमिली का बर्डन है ना, ये भी इनको जीने नहीं देता। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे चीजें खराब हो चुकी हैं, परेशान हो रहे हैं ये बहुत। ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब कुछ सही हो जाए, और ये सब सोचते सोचते सो गए वो कल रात को। कई लोगों के पैटर्न मुझे इंसोमेनिया के पेशेंट भी नजर आ रहे हैं, हो सकता है उन लोगों को इंसोमेनिया हो जाता हो जब भी वो किसी तरीके के डिप्रेशन में हो। कई लोगों को कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को अभी ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं या दमे वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, इनहेलर वगैरह यूज करते हैं। दे आर सिक, अंदर से बहुत टूट गया है ये इंसान, किसी से ठीक से बात नहीं करते, खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी खुश नहीं है ये इंसान। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके तो जिंदगी ना अब खत्म हो चुकी है, लाइफ में अब कुछ भी नहीं है। प्लीज एंजल्स बताएं और क्या सोचा होगा इस पर्सन ने कल रात को। आपके बारे में सोचा है इन्होंने बहुत सारा, स्पेशली चिंता है यहाँ पे, चिंता परेशानी बर्डन। नो कांटेक्ट है आप लोगों का टोटली। कल रात को ये सोच रहे थे आपके बारे में कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने अच्छे हो, आपके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। इनको ये चीज भी पता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन का वेट कर रहे हो, इनको ये भी चीज पता है, ठीक है। इनको ये भी पता है कि आप आज भी इस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा किया बट स्टिल आप अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो, इनको ये चीज भी पता है और ये इस चीज से भी परेशान है। मतलब बंदन बंदा ना अंदर तक हिला हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए।
परेशान, घबराया हुआ, डरा हुआ है। और सिर्फ कल रात को रोया है, सिर्फ, और कुछ नहीं किया इन्होंने। बीती बातों को याद किया है, इम्पोर्टेंटली रोए हैं, चीजों को मिस किया है, आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। हो सकता है कि आपकी फोटोज देख करके रोए हैं, ये पुरानी मेमोरीज देख के रोए हैं, जब आप लोग साथ थे या घूम रहे थे या बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने ना डिसाइड कर लिया था कि कैसे कहाँ शादी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये इंसान उन सब चीजों के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहा है कि यार मैंने तो इतना सब डिसाइड कर लिया था, या मैं हमने तो इतना सब डिसाइड कर लिया था और अभी वो सब चीजें नहीं हो रही है। टोटली उदास है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। थक गया ये बंदा। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस। मैं खुद हैवी फील कर रही हूँ अभी बहुत ज्यादा। अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड होपफुली, आई होप सो, आप लोगों की जिंदगी में सब सही हो जाए। प्लीज फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम, एंड आप लोग फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स मेल कर सकते हैं मुझे, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा गाइस, बाय।